कोई बात नहीं, हम घर में डाल सकते, लेकिन रस्ते पे फेंकना ही नहीं, ये उनके ऊपर संस्कार चाहिए। और उनके लिए फिर बड़े बड़े स्पीकर जो रहते, क्या करना है, छोटे रहे तो उनका ध्यान नहीं देता, बड़ा स्पीकर वो पढ़ो, स्टिकर पढ़ना आता है उनको, ये स्टिकर में क्या किया, लड़की ने कचरा कहाँ डाला, बैग में डाला, कचरा कुंडी में डाला, ये बड़े बड़े स्टिकर रहेंगे तो मतलब स्टिकर्स के थ्रू जो कहानी है जो आप उसको हाँ। पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप चाह रहे हैं हाँ, स्टिकर पे ठीक है, स्टिकर से उनको पढ़ाना है हाँ। और लेसन उनको पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, ये लेसन ये है वो नहीं फायदा, स्टिकर स्टिकर के अगर बुक रहेगा मीन सब क्या गुड हैबिट्स के स्टिकर, गुड हैबिट्स के स्टिकर ये लगाएंगे तो उनमें ये हो जाएगा, रोज 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 करेंगे तो, और आज ये बच्चे करेंगे तो आगे तो मैम अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारी टीम के साथ, और जैसे ये लोग आते हैं अभी हमको बहुत अच्छा सहकार्य करती है, आने के बाद अभी हमारे ऑफिस ने उनको परमिशन दी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस ने उनको ये कहा कि उनको हेल्प करो तो उन्होंने हमको परमिशन दी है, आपको परमिशन दी है, और जब से हम आपसे बात करते हैं ये मैडम हमारे स्कूल में आती है तो उनका बात करने का तरीका और हमसे पूछने का तरीका और सब इसका रिक्वेस्ट लेते हैं या करते तो हमसे अच्छी तरह से उनका व्यवहार रहता है, वो कैसा भी नहीं बात करते कि हम करें हमको परमिशन है ये नहीं रहता, उनका सब नम्रता से रहता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, आपके टीम के लोग बहुत नम्र हैं ये पहली बात है, उन लोग नम्रता से बात करते हैं, जो भी पूछना है नम्रता से पूछते हैं, और उनकी जो बातें हमको बतानी है वो एकदम क्लियर बताते हैं, सिंपल सेंटेंस में क्लियर बताते हैं। अभी हमारे उस दिन एओ आए थे प्रशासकीय अधिकारी और वही टाइम मैडम आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपके जो लोग हैं और हर स्कूल में आप जाके बताते हैं ना तो हर स्कूल के बागवाड़ी के टीचर्स और सेवक और हमारे प्रशासकीय अधिकारी इनसे एक टाइम मीटिंग ले लो तो और आपको बताएंगे, क्योंकि हर टीचर को आपको वही बताना है, आप भी स्कूल में रहे तो बस भी स्कूल में जो बताना है तो एक ही टाइम बताएंगे, लेकिन वो हमारे जो स्वामी साहब करके उनसे आप बात हुई मैडम की हुई तो उनसे बात करके आप मीटिंग अरेंज करके सबको बताइए, आपको हर स्कूल में जाके बोलने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा लास्ट सवाल पूछूंगा, थोड़ा पुणे के बारे में मुझे बताइए, पुणे कैसा है, कैसे लोग आपको पुणे में मिलते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को बताइए, पुणे जो लोग पुणे से बाहर के हैं उनके लिए आप कैसे बताओगे पुणे कैसा है। पुणे पुणे का पूर्व इतिहास देखेंगे तो शिवाजी महाराज के टाइम पुणे स्थापित हुआ, पहला भी था लेकिन वो खत्म हुआ किया था मुगलों ने तो शिवाजी महाराज ने स्थापन किया, उसके बाद पुणे ये संस्कृति केंद्र थे, पुणे तो सब संस्कृति है तो पुणे ये संस्कृति केंद्र थे, इसलिए सावित्रीबाई फुले का नाम यूनिवर्सिटी को है, पुणे को हर जगह पे जो इतिहास के आप जगह देखेंगे शनिवारवाड़ा है, लाल महल है, और जो जो हुए संत ज्ञानेश्वर भी पुणे में है, शिवाजी महाराज भी पुणे जिले में हुए, संत तुकाराम भी पुणे में जिले में है, तो ये संस्कृति का है, और पहला स्कूल जो ज्योतिराव फुले ने शुरू किया वो पुणे में किया, इसलिए पुणे में स्कूल विद्येचं माहेरघर असं म्हटलं जातं, मीन्स पढाई का सबसे मेन बेसिक ये आहे पुणे, तो पुणे को जो पढाई के बारे में जो बड़प्पन मिला है पूरे इसमें तो मुझे लगता है वही रहना चाहिए, तो पुणे में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए तो बिना पढ़े रहे, कौन सा भी लोग अभी बाहर के लोग पुणे में आए, अभी यहाँ पे सब कंपनियाँ हुई है, टेक्निकल बहुत चेंजेस हुए, अभी बाहर से लोग आए तो उनका रहना सहन उनकी संस्कृति सब पुणे में मिल रही है तो रहना अच्छी बात है, आओ रहो, लेकिन पुणे की जो संस्कृति है वो मत बदलो, बदल अच्छे के लिए अच्छा है, जो अच्छी बात है अभी पूरे जब ज्योतिराव फुले ने कहा था जो सती जाति है वो गलत प्रथा है वो बंद करो, पढ़ाई करना ये अच्छी प्रथा है तो पढ़ाई करो, जैसे ये बदला हम एक्सेप्ट करते हैं कौन सा, पढ़ाई करना ये एक्सेप्ट है, सती जाना ये गलत है, तो जो गलत है वो बंद करो, लेकिन जो अच्छा है वो पूरी पुराना भी हो तो वो रहना चाहिए, तो मेरे इसमें से कोई भी पुणे में कहाँ से भी आए, बिहार से आए, कर्नाटक से आए, बंगाल से आए, बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैं तो जब से जॉब करती हूँ मेरा 32 साल से मैं जॉब करती हूँ, मेरा एक ही मिशन है पहले से आसपास कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए, तो मैं खुद ढूंढती हूँ उनको लेके आती हूँ, पढ़ो
कुछ भी पढ़ो, लेकिन स्कूल में पढ़ो, थोड़ा लिखना कम आए तो चलेगा, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो आगे जाके बॉम्ब स्फोट करता है। उनको काम नहीं रहता है दिमाग को, तो फिर गलत काम करना, छेड़छाड़ी करना, किसी की चोरी करना, ये करना। कम से कम स्कूल में पढ़ाई कम, लेकिन उसका संस्कार ये होता है यहाँ वहाँ थूकना नहीं, दूसरे की चीजें देना नहीं, दूसरों को हेल्प करना, ये थोड़े थोड़े संस्कार भी आएगी तो कम से कम देश के लिए आतंकवादी ना बने। मैं खुद इतिहास की टीचर थी, अभी मैं प्रिंसिपल का काम कर रही, लेकिन पहले मेरा स्पेशल सब्जेक्ट इतिहास है। तो इतिहास में हम मेरा देश के लिए मैं क्या काम करूँगी, तो मेरे स्कूल में पढ़े मेरे आसपास जो बच्चे एक भी आतंकवादी ना होना चाहिए, भले कम पढ़े लेकिन आतंकवादी ना हो, देश के लिए वो फायदेमंद हो, फायदेमंद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन देश का द्रोह मत करे, देश के लिए नुकसान ना पहुंचे, ऐसा बच्चे होने चाहिए। इसलिए इतिहास बहुत जरूरी है, बच्चों को इतिहास सिखाना, उनको मूल्य मूल्य मीन्स क्या करना चाहिए, कैसा चले कि दूसरे को तकलीफ ना हो, ये मूल्य उनको आना चाहिए। तो इतिहास के लिए कुछ करना है, पढ़ाई जगाना जरूरी है, और इस दूसरों को हेल्प करना जरूरी है, ये तीन चीजें करनी है। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा इतना है कि हम मैं खुद ये करती हूँ कि मैं जब उठूंगी रात को सोऊंगी तो मेरे डायरी में एक शब्द लिखती कि मैं आज दिन में कौन सा दूसरों के लिए काम किया, एक सेंटेंस भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो दिन खाली नहीं जाना चाहिए कि मैं आज पूरा दिन में किसी को लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिन में जब मैं उठ के घर के बाहर आती हूँ या कुछ ठीक हूँ तबीयत से, तो उठने के बाद शाम तक किसी एक को हेल्प करना है या किसी एक को उठो के हंसी लाना है, पैसा नहीं खर्चूंगी, कुछ देऊंगी नहीं, लेकिन दूसरों को हंसी दूंगी और दूसरों को हेल्प करूंगी, ये मैंने मेरे पूरे सर्विस में यही किया। थैंक यू मैडम।